बिहार पुलिस की साइबर इकाई की टीम को लगातार सफलता मिल रही है। कुल 799 केस दर्ज हुए और करीबन 8,51,00,000 रुपयों को साइबर अपराध कर्मियों के पास जाने से पहले बचा लिया गया। इस बात की जानकारी देते हुए बिहार पुलिस मुख्यालय के ADG जितेंद्र सिंह गंगवार ने कहा कि साइबर अपराध के विरुद्ध 4 महीने में कुल 799 साइबर अपराध के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। वहीं बात करें कार्रवाई की, तो साइबर सेल द्वारा करीबन 8,50,00,000 की राशि को लोगों से मिली शिकायत पर बचा लिया गया है। आगे ADG ने बताया कि अवैध लेन देन वाले 100 ऐप्स को चिन्हित कर RBI से इस पर प्रतिबंध लगाने की गुजारिश की गई है। वहीं इस पूरे बात की जानकारी देते हुए ADG ने क्या कुछ कहा, आप ही सुने। जैसा कि आप लोगों को पता है, फरवरी के बाद से आर्थिक अपराध इकाई में नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल हेल्पलाइन, जिसका नंबर है 1930, कार्यरत 1930 24 घंटे कार्यरत हमारा कॉल सेंटर है, जिसके तहत साइबर अपराध से संबंधित सभी घटनाएं वहां पर दर्ज कराई जा सकती हैं और आगे की कार्रवाई उसके आधार पर होती है। बहुत ही सुलभ प्रक्रिया है। उसके अलावा सीधे आप वेबसाइट पर जाकर के भी अपनी कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। 1930 पर बहुत सारी कॉल आ रही हैं और मैं आपको बता दूं कि जून महीने में प्रतिदिन जिन कॉल का जवाब दिया गया वो संख्या 1514 थी और जून में कुल प्राथमिकी 176 दर्ज कराई गई है। प्रति महीने कुल कितने राशि की हम लोगों ने बचत कराई, अर्थात जब पीड़ित ये सूचना देता है कि उसके खाते से अवैध निकासी हो गई है, तो तत्काल 1930 का जो पोर्टल है उसमें सभी बैंक, सभी ऐप, सभी वित्तीय संस्थाएं उससे जुड़ी हुई हैं पूरे देश में, तो तत्काल हम लोग उस पर रोक लगाने की कार्रवाई करते हैं। उसके तहत पीड़ितों की राशि निकाल करके साइबर अपराधी अपने प्रयोग में नहीं ला पाए, ये हम लोगों का प्रयास रहता है। पोर्टल और कॉल सेंटर दोनों के माध्यम से पीड़ितों की बचाई गई कुल राशि है 2,25,46,405 रुपये। मैं फिर से बता देता हूँ, मंथ वाइज बता देता हूँ। मार्च में, क्योंकि फरवरी के लास्ट में ये लॉन्च किया गया था, जैसा आप लोगों को पता है बिहार पुलिस दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये 1930 का उद्घाटन हुआ। मार्च में 176 प्राथमिकी दर्ज की गई, लगभग 2,12,00,000 रुपए पीड़ितों के बचाए गए। अप्रैल में 264 FIR 1.94 करोड़ रुपए बचाए गए। मई में 183 FIR 2.18 करोड़ रुपए। जून में 176 प्राथमिकी और कुल 2,25,00,000 रुपए लगभग, पूरी अगर राशि की गणना करें तो 2,25,46,405 रुपए ये बचाए गए। और अगर अभी तक पूरी मार्च से लेकर जून तक 4 महीनों का आंकड़ा देखें, 799 FIR दर्ज की गई और कुल जो पीड़ितों की हम लोगों ने राशि को अपराधियों के पास जाने से रोका वो है 8,50,56,858 रुपए। आप कह सकते हैं कि 8,51,00,000 रुपए के आसपास हमने पीड़ितों की राशि को बचाई। कुछ ऐसी शिकायतें मैं आपके सामने रख रहा हूँ, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि आप जब सोशल मीडिया पे इसको चलाएंगे तो बाकी जो हमारी जनता है उनको भी ये पता चले और न्यूज़पेपर में, जब अखबार में ये छपेगा तो बाकी लोग भी समझ में आएगा कि किस तरीके से वो इससे बच सकते हैं और किस तरीके से 1930 का उपयोग करके आगे भी कार्रवाई कर सकते हैं। जानकारी आई उसके माध्यम से ऐप इंडिया में डाउनलोड हो रहे हैं और इंडिया में इनको यूज़ किया जा रहा है। ये इनका सॉफ्टवेयर कहाँ बना और कैसे अपलोड हुए, ये गहन जांच का विषय। मुझे लग रहा है भारत सरकार को, चूँकि हमारी रिक्वेस्ट गई हुई है, तो नेशन वाइड एक्सेस ब्लॉकिंग करते समय वो इन सब बातों पर जांच करेंगे। और गूगल प्ले स्टोर से ही डाउनलोड हुए हैं ऐसी सूचना है, लेकिन हम लोग अब आगे भी इस पर कार्रवाई करेंगे। भारत सरकार के जो आगे के दिशा निर्देश हैं, चूँकि 100 ऐप हमने आइडेंटिफाई किए हैं, ऐसे बाकी एजेंसी भी अन्य राज्यों की इसको आइडेंटिफाई करेगी, तो भारत सरकार के स्तर पे निश्चित रूप से आपको कोई ना कोई एक्शन जो किया जाएगा वो जैसे ही हमको सूचना मिलेगी हम बताएंगे। पिछली बार आपको पता है कि बहुत सारी वेबसाइट
और बहुत सारे इस तरह के ऐप को भारत सरकार ने भी बैन किया। तो इसी तरह से हम लोगों की